भाइयों कैसे हो। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज नया ब्लॉग चल रहा है और नए इवेंट के लिए मैं आया हूँ। शिवनादर फरीदाबाद में स्कूल है, यहाँ पर आ रखा हूँ। तो यहाँ पर काम चल रहा है, शायद ओलंपिक कुछ है मेरे ख्याल से, गेम है, कुछ बच्चों के गेम वेम है, तो उसका कुछ काम चल रहा है और इवेंट का काम है अपना। अभी दिखाता हूँ आपको फ्लैग्स और इवेंट के जो बैकड्रॉप होते हैं वो कैसे लगते हैं, ठीक है? देखना अभी आप, ठीक है? ये होती है फ्लैग्स, ये काली काली पड़ी है ना, ये इसकी बैक साइड है काली वाली, और ये इसके वाइट वाइट दिख रहा है, ये ऊपर प्रिंट है फिर, ठीक है? ये होती है, ऐसे बनती है, ये देखो फ्लैक्स है ना ये, ठीक है? ओलंपिक है, ओलंपिक कुछ करके है ये पूरा बत्ते के साथ बना हुआ है, ऐसे लकड़ी का ढांचा बनता है, उसके ऊपर ये फ्लैक्स लगती है, ठीक है? ये वाली फ्लैक्स होती है, ये देखो काम चल रहा है। ये ऐसे कारपेट बिछा के इसी के ऊपर लगाई जाती है फ्लैक्स, ठीक है? देखो ऐसी होती है, ये दिखाता हूँ, ये खुली पड़ी है, ये होती है फ्लैक्स। अब दिखाता हूँ जो आपको वो लगता है ना, क्या नाम है, बैकड्रॉप के लिए जो बत्ता लगता है उसका जहाँ ढांचा बनता है पूरा, वो दिखा रहा हूँ। देखो ये पड़ा, इसके पीछे वाली साइड पे वो लगेगा, क्या नाम है, बैकड्रॉप, ये देखो। देखो फ्लैक्स दिखाता हूँ खुलते हुए कैसी होती है। तो भाई कल वो था ओलंपिक का इवेंट, तो उसके लिए आए थे हम लोग। इवेंट है, इवेंट करवाते हैं हम, तो फैब्रिकेशन का काम चल रहा था तो वही हम लोग देखते हैं, और कुछ नहीं ज़्यादा अच्छा। ये देखो मैं फैब्रिकेशन का काम चल रहा है वही आपको दिखाता हूँ। फ्लैक्स लगेगी अभी इस पे, फ्लैक्स लगेगी इस पे, तैयार कर रखा है ये बिडिंग विडिंग लगा रखी है। ये होती बिडिंग, ये वाली गत्ते जैसी होती है बिडिंग, ये वाली इस टाइप की होती बिडिंग, ये बिडिंग होती है। ये देखो फ्लैक्स लग रही, दिखाता हूँ फ्लैक्स लग रही है, फिर दिखाता हूँ आपको कैसी फ्लैक्स लगती है। देखो जो इवेंट वाला काम करता होगा ना उसे सब पता होगा इसके बारे में, कैसे फ्लैक्स और बत्ते और ये इसका वो बनता है। ये कौन सी बिल्डिंग है भाई? सिटी होम फरीदाबाद में है, सिटी होम फ्लैट, अच्छा डेकोर है। ये बैक साइड है, शिवनादर स्कूल है बच्चों का कोई, उसका बैक साइड है, इसमें काम चल रहा है, ठीक है? जो फ्लैट्स दिखाता हूँ कैसे लगती है।
ऐसे काम चलता भाई, बड़े बड़े इवेंटों में ना ऐसे ही काम चलता है, छोटे बड़े चाहे जो भी हो इवेंट, सब में ऐसे ही काम चलता भाई। और ऐसे ही काम होता है इसमें, क्या लकड़ी का ये क्या नाम है, फैब्रिकेशन में लकड़ी का और प्लास्टिक और ये क्या नाम है फाइबर, ये ज़्यादा यूज होता है इवेंटों में। अब ये फ्लैक्स ऐसे लगती है, मतलब लकड़ी के ऊपर लगाई जाती है, वो इस प्रकार से लगाई जाती है कि टाइट रहे एकदम, और उस पर कोई रिंकल विंकल ना हो, स्लो मतलब जैसे कोई, जैसे अब ये फ्लैक्स ये वाली दिखाता हूँ आपको, ये जो है ना एकदम टाइट फ्लैक्स है, तो ये मतलब उससे स्टेपलर होता है एक लकड़ी पे मारने वाला पिन वाला, तो उससे मारी जाती है ताकि कोई इस पर रिंकल ना हो कुछ ना हो। ये फ्लैक्स पड़ी हुई है काली वाली सारी, ये देखो ये बैक साइड है और ये इसकी वो है प्रिंट वाली, ये है प्रिंट साइड, इसके पीछे होती है बैक साइड, देखो काली काली दिख रही है ना आपको, ये काली काली दिख रही है, टाइट है ये फ्लैक्स, ये जो टाइट होती है ना फ्लैक्स वो अच्छी होती है लगी हुई। ये देखो इधर ये बड़ी वाली लगा रहे हैं बैकड्रॉप, कल इवेंट है इसका, कल मैं उसकी वीडियो आपको दूंगा, वो ज़रूर देखना दोस्तों, कल इवेंट है, कुछ गेम होंगे ओलंपिक, कुछ गेम होंगे इसके मतलब कुछ टूर्नामेंट टाइप के हैं छोटे मोटे, तो वो कल मैं आपको वीडियो दूंगा, कल आप देखना कितना बढ़िया लगेगा। अभी तो शाम हो गई है क्योंकि मैं आज लेट आया था थोड़ा सा काम करवाने के लिए, और फिर कल दिन हो जाएगा तो थोड़ा अच्छी वीडियो आएगी, अभी तो जैसा है अभी वीडियो ऐसा ही है यार, थोड़ा मतलब लाइटिंग वाइटिंग नहीं है इधर, हल्की फुल्की ऐसे अंधेरा सा हो रखा है, वही काम चल रहा है इधर, ठीक है। ये देख लो ऐसा नज़ारा है भाई पीछे का, लाइट वाइट जल गई है, फरीदाबाद में है नादर शिव नादर स्कूल, देखो स्टेपलर लग रही है इसमें, भाई आराम से कोनो आगे रह गए ना कोनो देख ले बाबू ये टाइट कर रहे हैं इसको फ्लैक्स को ऊपर से, बस आज के लिए इतनी बहुत है इसमें, अब क्या देखोगे यही है बस, बाकी फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा कोई फैब्रिकेशन की तब मैं आपको फुल वीडियो देता हूं, और अभी तो यही ठीक है इसमें नॉर्मली, बाकी कल मैं इवेंट होगा ओलंपिक वाला जो इसका होगा, फिर मैं उसकी वीडियो कल आपको प्रॉपर देता हूं, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, सब सेफ रहिए, अभी सर्दियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं और ठंड में सब अपना ध्यान रखिए, जैकेट पहनिए और सर्दियाँ थोड़ा ध्यान रखिए अपना, ठीक है, बाय बाय दोस्तों। Thank you.
आ रहा है भाई, ये हैंडक्राफ्ट है, देख लो सारी पेंटिंग है ये। मेरे ख्याल से ये ऑयल पेंटिंग है या फिर वाटर पेंटिंग है। ये स्कूल के बच्चों ने बनाई है, शिवनादर पब्लिक स्कूल में, दी शिवनादर। देख लो भाई ये बच्चों की हैंडक्राफ्ट पेंटिंग, ये नाम भी लिखा हुआ है बच्चे का, अगस्तिया। कैसी लगी पेंटिंग? भाई देखो कितनी प्यारी बना रखी है, मतलब ठीक है यार, बच्चों के हिसाब से बहुत बढ़िया पेंटिंग है। बाकी आप किसी को खरीदनी हो तो बता देना, आ जाना शिवनादर पब्लिक स्कूल, यहाँ खरीद भी सकते हो। मैंने एग्जीबिशन में लगा रखी है। और दिखाता हूँ मैं आपको पेंटिंग, ये देखो सारी पेंटिंग दिखाता हूँ मैं आपको, देखो बढ़िया तरीके से। ये है शिवानी जैन, शिवानी जैन ने बनाई है ये देखो भाई, ये रही एक पेंटिंग। देख रहे हो कितनी बढ़िया पेंटिंग है, छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं यार, और इससे अच्छा क्या लोगे। ये देखो एक ये है, ये लड़की मेरे ख्याल से आई थिंक ये कबूतरों को उड़ा रही है। ये देखो कबूतर है, पक्षी है, कुछ तो है। इतने काला काला है ना ये, इसमें दिख नहीं रहा है सही से क्या है, पक्षी है, कबूतर है, कौआ है, क्या है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। बाकी ये देखो एक ये है, घोस्ट पेंटिंग है शायद, आई थिंक घोस्ट है शायद कि किसान है, मेरे ख्याल से घोस्ट लग रहा मुझे तो, सींग से लग रहे हैं इसके। एक ये है, ये भाई पता नहीं क्या है, मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा। एक ये है, पता नहीं क्या घोस्ट पेंटिंग है, पता नहीं क्या है, इसके फायर सी निकल रही है बैक से, ठीक है। बाकी ये है देखो, बाकी एक व्यू दिखाऊंगा आपको दूर से, दूर से भी देखना आप कितना प्यारा लगता है ये, ठीक है। बाकी ऐसे देख लो ये अपना फरीदाबाद में जो है ना, फरीदाबाद बदरपुर के पास जो फरीदाबाद शिवनादर, दी शिवनादर पब्लिक स्कूल, शिवनादर स्कूल है, उसमें एग्जीबिशन चल रहा है। तो ये बच्चों ने ऑयल पेंटिंग, ये हैंडक्राफ्ट पेंटिंग है मतलब, तो ये बनाई है कुछ अपने हाथों से, मतलब बच्चों ने बहुत प्यारी बनाई है, मतलब जो भी है इवेंट चल रहा है कुछ। देखो अभी अंधेरा हो रहा है, लाइट जल रही है, उसी में दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो भी जैसी भी है आप पोज करके देख लेना अच्छे से। अब इससे ज़्यादा क्लियर तो मैं दिखा भी नहीं सकता। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो। एक भाई ये है, ये वाली दिखाई थी मैंने अभी आपको, ये वाली साइड वाली। एक ये है, एक ये देखो, ये पता नहीं क्या क्या बना रखा है इन लोगों ने, बढ़िया है ये भी। बाकी पोज कर लेना आराम से, देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो देख रहे, और ये कपड़ों का पता नहीं क्या बना रखा है भाई बच्चों ने बनाया है शायद, पता नहीं ये कुछ कपड़ों का है। आपको पता हो तो कमेंट में बताना यार ये क्या है, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है ये है क्या चीज़।
तो अपना इवेंट का काम करने के लिए आया था, तो मैंने देखा ये छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा बना रखा है, तो आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, थोड़ा आप भी देख लो, नॉलेज हो जाएगी। ये देखो अच्छे कपड़ा तो है, पता नहीं क्या है, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। ये देखो भाई, वीडियो बताना कैसी आ रही है, साफ़ है, जैसी भी हो मुझे बताना, ठीक है। ये देखो ये कपड़े की पेंटिंग है, कपड़े को काट के उस पर कलर करके, या रंगीन कपड़ा है ये सारा। देखो कपड़ा है, दिखाता हूँ मैं आपको, आप सोच रहे होगे ना, ये देखो ये कपड़ा है, ये देखो ये रूएं से निकल रहे हैं इसके, देख रहे हो, ये कपड़ा है भाई। ये देखो ये जो अपना वेस्ट कपड़ा होता है ना, उससे ये पेंटिंग बना रखी है। ये देखो सारा कपड़े की है, और वो वाली जो ये वाली पेंटिंग है, ये वाली शायद मेरे ख्याल से कलर से बना रखी है, वाटर कलर से, और ये वाली शायद कपड़े की पेंटिंग है। देखो कितनी बढ़िया लग रही है, और ये शायद सिंपल है मेरे ख्याल से, ऐसी ये सिंपल पेंटिंग है ये, इसमें उसमें कुछ नहीं है, ये तो ऐसी स्केच कर रखा है इन लोगों ने, बस स्केच कर रखा है, बाकी नाम दिखाता हूँ मैं आपको एक बार प्यास। ये देखो स्केच पेंटिंग है ये, पेंसिल वाली, देख लिया नीचे का इतना वो नहीं है क्लियर, बाकी ये भी कपड़े की है भाई, कपड़े का कटिंग करके बना रखा है। एक ये है भाई, कलर का अच्छा कॉम्बो बना रखा है इन लोगों ने, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा बना रखा है भाई। ये पत्ते का है, ये वाली जो है ना, ये रियल पत्ता है, और ये है, ये फूल है, फूल, और ये शायद कुछ कोई चिड़िया का पंख है, ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, ये चिड़िया का पंख है, काफ़ी अच्छा बना रखा है भाई बच्चों ने। और ये है एक, ये देखो एक ये है पेंटिंग, और बाकी ये पढ़ लेना ये क्या है, ये मेरे ख्याल से आउटर आर्ट है, जिन बच्चों ने बनाया शायद उनके नाम है मेरे ख्याल से। एक ये है, ये कुछ बुक टाइप की बना रखी है, समझ लीजिए ऐसी, पता नहीं क्या है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है भाई, मेरे को जो चीज़ नॉलेज नहीं है वो आप कमेंट में बताना, ठीक है। बॉल्स हैं, ये बॉल है, बॉल बाउल बोलते ना, बाउल वो है ये। बाकी अच्छा, एक दूर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऑफिस है देखो, बाकी ये भाई मिट्टी का कुछ हैंडक्राफ्ट बना रखा है, देखो ये मिट्टी का है पूरा, मेरे ये पक्षी बना रखा है। एक ये है मिट्टी का, ये भी मिट्टी का ही है। एक ये है भाई, ये पोटली है आई थिंक, मेरे ख्याल से पता नहीं, पोटली है, ये उल्लू है, ये तोता है शायद कि वो है, वो है ये, पता नहीं क्या है, इसका नाम नहीं पता, ये बतख है शायद, बतख जो डक बोलते हैं, ये एक अंटी बैठी है, कुत्ता पता नहीं बिल्ली है इसके पास, क्या है खाना वाना लेके, बाकी सूखा पेड़ है। ये किए है भाई सूखे के, आदमी शायद अखबार पढ़ रहा है ये। ये है भाई देखो कितनी बच्चा अच्छी बंदों ने बना रखी बच्चों ने। एक ये है देख रहे,
काफी अच्छा वर्क कर रखा है भाई। एक ये है, ये रेडियो है शायद, आगे से दिखाऊंगा मैं आपको, आगे से दिखाता हूँ। ये आदमी है, इसने बकरी का बच्चा लिया था, मैंने कहा ये है। अभी करता हूँ, ये देखो इस पे नाम भी लिखा हुआ बंदे का, जिस बच्चे ने बनाया रेडियो, मिट्टी का है, ये मिट्टी का है, चिकनी मिट्टी है, पता नहीं क्या है, ये क्ले 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 लग रही है मेरे को, क्ले आई थिंक। ये देखो बर्तन बना रखे हैं अच्छे, देख रहे हो भाई, ये सब मिट्टी का है। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। लाइक करो, कमेंट करो, कुछ मुझे बताओ। अभी नया नया मैंने चैनल स्टार्ट किया है, आप मुझे बताओगे नहीं गलती मेरी तो फिर मैं कैसे ग्रो अप करूँगा यार। ये देखो, देख रहे हो, ये शायद मटके दिए बर्तन है, पता नहीं क्या क्या है, ये देख लेना आप वीडियो में खुद, ठीक है। बाकी एक व्यू दिखा देता हूँ, ये ओवरऑल व्यू है, ये देखो शुरू से यहाँ से स्टार्ट है, पूरा ऐसे है ये, ठीक है, देखो देख रहे हो, ये है, ये फ्रंट में मेरा काम चल रहा है इधर। मैं तो ऐसे ही आ गया था बच्चों का, ये आइटम दिखा दूँगा आपको भी कैसा बना है। बाकी एक दूर से दिखाता हूँ आपको, सही लगा तो कमेंट में बताना दोस्तों। एक ये है, ये आप पढ़ लेना पोज करके, चलो दोस्तों। बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें, बाकी तो बस यही है, ये है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। रात हो रही है अभी, तो जितना था मैंने आपको दिखा दिया, बाकी तो और इसमें कुछ है नहीं। यहाँ बर्तन है, यहाँ पेंटिंग है, ये तुम्हारी ये वाली वाटर और शायद कलर, ये कपड़े का कुछ है, और ये कपड़े की कुछ पेंटिंग बना रखी हम लोगों ने, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।